तो ये शेख अब्दुल हकीम मुराद स्कॉलर हैं कैम्ब्रिज इंग्लैंड में और इनके ये जो छोटी सी किताब है इसमें इन्होंने कोई सौ कस्म के अंग्रेज़ी में एफोरज़म्स जैसे कहते हैं सूफिया कराम के अक्सर अकवाल में इस तरह के मुख्तसर एक एक जुमले में या बहुत ही चंद अलफाज में आ, बहुत गहरी बात कह जाते हैं तो ये इस किताब का जो नाम ही है या जो इसमें इंतख हैं हाँ कॉमेंट्री ऑन दिलेवेंथ कन तो मालूम नहीं इनके बारे में आप लोगों ने कितना कुछ मालूम है आ, ये प्रोफेसर टीजे विंटर्स विंटर्स बॉर्न ब्रेड इन ब्रिटेन टू वेरी ब्रिटिश फैमिली बैक ग्राउंड इनकी तालीम भी बहुत ही टिपिकल क्लासिकल ब्रिटिश स्कूलिंग और वहाँ से फिर कैमब्रिज गए और इनको शौक़ हुआ अरबिक सीखने का उस वक्त तक कोई मजहब के साथ उनके लगाव नहीं था कोई फिक्र नहीं थी और ख़्याल ये था कि अरबिक सीख के मिडल ईस्ट जाके खूब पैसे बनाऊँगा पास बहुत पैसे खैर नतीजा ये हुआ कि माशाल्लाह वो इस्लाम में आ गए सो so, इनका जो सारा कुछ टीचिंग है राइटिंग्स हैं लेक्चर्स भी हैं आ, ये इसकी ख़ासियत ये है हमें समझना चाहिए कि ये यूरोप यूरोप में भी ब्रिटेन वहाँ के पैदावार सो स्टीप्ट इन दी यूरोपियन ट्रेडिशन्ड द क्रिश्चियन ट्रेडिशन एंड वेरी फेमिलियर विद दी जूश ट्रेडिशन्स क्योंकि क्रिश्चैनिटी एंड जूडाज़म एक ही ट्रेडिशन है तो एक तरफ ये बैकग्राउंड एंड एज अ स्कॉलर इन्होंने अरबिक के अलावा टर्किश और पर्शियन भी सीखी तो एक तरफ़ डीप वेस्टर्न रूट्स और उसके बाद जब इस्लाम में आए तो उतने ही गहराई में वो इस्लामिक ट्रेडिशंस में भी बल्कि ख़ास इनका जो पैगाम है उसकी ख़ासियत ये है कि वो सीधा इस्लाम की असल रूह तक पहुँचे हैं समझा है उसे मुकम्मल तौर पर उसका हिस्सा बन चुके हैं तो ये दोनों ट्रेडिशंस के अंदर वो उतने ही गहराई से इनको समझते हैं और फिर तीसरी बात ये कि ये किस ज़माने में है, है, ज़िंदा हैं लेट ट्वेंटी सेंचुरी अर्ली ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी यानी हमारा दौर आजकल का तो ये इनके जो मैसेज कह लें ये आजकल के मॉडर्न दुनिया बल्कि पोस्ट मॉडर्न दुनिया के अंदर न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि तमाम इंसानियत के लिए लेकिन बिलखसूस इनका जो फोकस है वो आजकल के नौजवान मुसलमान बल्कि नौजवान ना भी हों मुसलमान उनसे मुखातिब हैं और जैसे इनका बैकग्राउंड जहाँ रहते जहाँ पढ़े पढ़ा और जिस ज़माने में पैदा हुए तो पोस्ट मॉडर्निस्ट जो ये एक इथहस है जिस, इसको ये पूरी तरह से समझते हैं कि ये क्या हो रहा है उसके हिस्टोरिकल रूट्स को भी समझते हैं फ़िलोसॉफिकल रूट्स भी समझते हैं और उसका ताल्लुक़ ये जो सेमेटिक रिलीजन्स के साथ तीनों बनते हैं इस्लाम क्रिश्चियनिटी एंड तो उस सारे चीज़ को सामने रखते हुए एक लिहाज से अक्सर प्रोफेसर विंटर को लोग कम से कम मेरा तो अक्सर ख्याल आता है पीपल लाइक मार्टिन लिंग्स गाई ईटन यानी सिंसियर कंप्लीट मुस्लिम्स बट ब्रिटिश मुस्लिम्स अंग्रेज़ मुस्लिम फ़र्क ये है कि ये लोग अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी की बात कर रहे थे वो माहौली और था वो दुनिया और थी और ये जिस दुनिया से मुखातब हैं जिससे हम लोग जिसमें हैं जी रहे हैं देख रहे हैं उसको सह रहे हैं जिस तरह से भी तो ये ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी के पोस्ट मॉडर्निस्ट इंसान की ज़बान बोल रहे हैं वही इस इनके रेफरेंसेस, सिंबल्स, जो आजकल की आम बोलचाल और फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेस का हिस्सा है। तो आ, लेकिन इससे भी ज़्यादा इनकी जो ख़ास कोशिश रहती है वो कि ये जो इस्लामिक डायस्पोरा, ये भी इसी ज़माने की पैदावार है इससे पहले इस, इस नौीय से इतने ज़्यादा मुसलमान वेस्टर्न ममालिक में दूसरे मुल्कों में ये पहले नहीं हुआ था अब दो तीन जनरेशन्स के बाद उनके अपने बहुत मखस कस्म के मसाइल हैं और वो एक अजीब नफ्साती कशमकश में कन्फ्यूजन में कि ये हमारे पेरेंट्स क्या कह रहे हैं आप सब जानते हैं आए हुए पिंड से एक आज़ाद कश्मीर से मैनचेस्टर में उनके बेटे फिर उनकी औलाद वो उन्होंने देखा ही कुछ नहीं जो अब की पौध है उन्होंने वही ब्रिटिश स्कूल वगैरह लेकिन फिर वो एक गेटोइजेशन जो है वो अपने अंदर बंद भी हैं और फिर जो जिस जिस माहौल में उनकी तरफ हर वक्त उंगली उठाई जाती है और उनको बुरा भला कहा जाता है कि ये टेररिस्ट हैं और जहादीज़ हैं और इनसे तो दूर। और बहुत की वाकई हरकतें भी ऐसी हैं तो ये मसाइल हैं ये दुनिया है ये हम से इस इन कंडीशंस में वो हमारी बात कर रहे हैं तो मेनली इनका मैसेज ये है अच्छा इसी मौजूदा दुनिया कि खसूसियात में ये जो हमारे सामने एक जिहादी फिनन आया है अलकायदा और फिर आई एस इस्लामिक स्टेट अभी तो वो बगदादी साहब कहते हैं फ़ाइनली ख़त्म हो गए लेकिन ये ये फिनमिनन तो नहीं ख़त्म होता तो ये भी एक हकीक़त है तो उसकी क्या असलियत है वो भी हमें ज़रूरत है समझने की और वेस्ट को भी समझाने की ज़रूरत है कि इस्लाम क्या है ये लोग क्या हैं और तुम खुद क्या हो तो ये इनका मैसेज है तो पहला तो मैं आपके सामने ये एलेवेंथ कंटेंशन ये पढ़ लेते हैं और इसके अलावा फिर दो और हैं बल्कि तीन तो एलेवेंथ कंटेंशन इज कॉल्ड अरबडम इज़ नॉट कंजेनिटल द कुरान इज़ इन अरबिक but the dna of islam is not arab mm -hmm. the deepest indigenous arabness is found in the worship of al-uzza casting lots with arrows prideful boasting and walking naked around the house yani kaba kaju jahiliya islam is the universal religion and hence cannot be the extension of anyone's parochialism earlier prophets were sent only to their own people but i am sent to all mankind ye hadith. As a people, the Arabs are not mentioned, not mentioned once in the Quran. They are ignored. In the Great Covenant, there cannot be a chosen people. And because no people is chosen, no people is rejected. The foundation. Of Christianity saw an adjustment to a monotheism which was already present. Christ Salaam, was sent only to the lost sheep of the children of Israel. Unquote. Although Paul, that is Saint Paul, hailed him as a universal God. The Buddha adjusted Indic values, mm -hmm. but the mercy of the, to, to the worlds repudiated the beliefs and worship of his own people entirely so that, quote, Muhammad is discontinuity in person. This quote Hans Küng, a Christian theologian. Islam began as the rejection of the self in favor of the other. The monotheistic principle was the narrative of the neighbor. Islam began as history's greatest act of Xenophilia. Under some rulers of the Bani Umayyah, Arabdom as a tribal principle reappeared. Some Persian converts to Islam were even forced to continue in their payment of the jizya. The fifth righteous caliph swept this racism away in its historic spread and the arabs are today less than a fifth of the ummah in its historic spread islam spread islam spreads that which is not native to the arabs which is to say monotheism its rainbow of peoples submit to the Qibla from different directions. Each people's culture is enriched by the touch of Islam's holy hand. Persian literature was dry, monarchical ritualism before Islam and then blossomed into the miracles of Rumi, Nizami, Attar, and Saadi. The same invigoration. Touched Turkish, Malay, Hausa, Wolof, and a hundred others. Where the monoculture kills difference, the un-Arabian religion gives it life. So, ye uh, commentary on Arabdom is not congenital. Arabdom is not congenital. ये हम सब जानते हैं कि एक अब ये ये एरबडम और बीमारी हमारे यहाँ भी आ चुकी है अल पाकिस्तान तो <laughs> <laughs> ये जो समझना कि इस्लाम इज़ अरब सबसे बढ़ते हाँ, खुदा हाफिज़ कहते कहते अल्लाह हाफिज ये अरबाइजेशन ये जो हमारे हमारे अंदर ये आ गया बहुत ही वेरी रियल थिंग कि एक तस्वुर आम होता जा रहा है कि इस्लाम इक्वल्स अरब कल्चर एंड अरबिक लैंग्वेज में इस्लाम हो सकता है उर्दू सिंधी संस्कृत इन ये सब काफरों की ज़बान है इसमें और आप सब बखूबी जानते हैं कहाँ तक किस एक्सट्रीम तक किस तरह की सोच कि ये ये दरख्त इस्लामिक है ये दरख्त हिंदुआना है ये दरख्त बुद्धित है तो इस तरह की बातें होती हैं और बाकी लोग उधर काट के फेंक भी देते हैं सो so, इस कॉन्टेक्स्ट में ये पहला जो कमेंट्री है ये बता रहे हैं कि जो इस्लाम की हकीक़त और इस्लाम की रूह और असलियत ये अरबिक नहीं है ये यूनिवर्सल है इट्स नॉट ए रिलीजन विच केम फॉर द अरब्स। दूसरे इससे पहले जितने मजाहब हैं वो अपने कौम के लिए वो मैसेज और इस्लाम में और यहाँ जो कोर्ट हदीस की भी की है उन्होंने कि हजूर अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में भी और हम भी कहते हैं कि He is a mercy to the two worlds, सिर्फ अरबों के लिए नहीं और बल्कि जो ये पोजिशन ये बता रहे हैं कि जहाँ दूसरे सारे मजाहब ने अपने ही कल्चर के अंदर जो मौजूद बेस था कि अगर बुद्धा वो एक हिंदू इथहस में उनका काम था और उसको उन्होंने डिनाई नहीं किया बल्कि उसी को क्लैरिफाई किया और जो उसमें गलतियाँ थीं उसे सही से लाए बिल्कुल इसी तरह हजरत हज़रतम उन्होंने जूडाज़म को डिनाई नहीं कहा किया कभी भी अपने आप को भी जू समझा और थे और बाकी भी क्रिश्चन अर्ली क्रिश्चियन हवारी जो सारे थे लेकिन जो जूडाइज़म में ख़ामियाँ थी रास्ते से हट गए उसको सही करना उनका मिशन था तो इस्लाम पहला और आखिरी रिलीजन है कि जो किसी लोकल ट्राइब कल्चर एक पीपल्स उनके लिए नहीं बल्कि तमाम इंसानियत के लिए और वो बता रहे हैं कि जहाँ दूसरे मज़ाहब ने एक एग्जिस्टिंग रिलीजस बेस उसकी सिर्फ सिमत ठीक की जो उसमें कज पैदा बल पै, उसको सीधा किया तो इस्लाम का फंक्शन सिर्फ़ अरब्स को सही रास्ते पर लाना नहीं था बल्कि इस्लाम केम एज ए वायलेशन टू ऑल द एग्जिटिंग वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशन्स ऑफ द अरब्स यानि उसे डिनाई किया सारा का सारा तो ये इसका मेन चीज़ ये है कि क्योंकि ये बड़ी एक इट्स वेरी पावरफुल रियालिटी एक्सपीरियंस ऑफ द टाइम कि मुसलमानों में एक ये ख्याल ये तस्वुर कि जी हम इस्लाम हमारा रिलीजन है तो अरब और उसी तरह से बहुत सारे हमारे रवैये वगैरह होते हैं उसको ये समझा रहे हैं कि इस्लाम इज़ इस नॉट अरब इट इज़ यूनिवर्सल फॉर ऑल ह्यूमैनिटी और फिर बताया कि बल्कि इस्लाम की एक ये ख़ासियत है कि जैसे जैसे वो फैलता गया और इतने मुख्तलिफ कल्चर्स के साथ उसका इंटरेक्शन हुआ और नतीजतन ये सारे कल्चर्स जैसे ब्लॉसम कर गए एकदम से चाहे वो सब कॉन्टिनेंट का हो पर्शियन कल्चर टर्किश कल्चर चाइनीज़ अफ्रीकन नॉर्थ मगरब जहाँ जहाँ इस्लाम गया उसने उस कल्चर को चार चांद लगा दिए ये एक अजीब बात है ये इसलिए मैं पहले भी सुना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे इनके जो ये एफरिज़म्स हैं और जो मसले जिस पर ये मुखातब हैं इसका ताल्लुक़ ये एक तरह की जिसे आगे आपको बताएंगे सलाफिज़म जिसे सलाफी कहते हैं ना ये जहादीस वगैरह तो ये जो टेंडेंसी है इस्लाम के अंदर भी और जो इस्लाम से बाहर दुनिया मुसलमानों को देखती है और इस्लाम को देखती है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा शोर धमाके करते हैं तो लोग समझते हैं यही इस्लाम है तो ये पहला और एक तरह से बाकी जो ये कंटेंशनस हैं ये इसी बेसिक ख्याल को फिर आगे स्प्रेड किया दूसरा नंबर नाइनटीन रीडिफाइन रिलिजन बट डू नॉट डी रिफाइन इट अच्छा एज ए टिपिकल अंग्रेज़ अंग्रेज़ के एक बड़ी शरारती किस्म की रग भी होती है उसके अंदर वो ई हेल्प मेकिंग पन्स ह्यूमर जो एक थोड़ा सा होता है तो अल्फाज को घुमा फिरा के उलट फेर के एक्चुअली इट्स अ टेक्निक ऑफ एक्चुअली मेकिंग यू अवेयर बाय शॉक ऑफ़ द रियल एसेंस जो बात कही जा रही है सो क्योंकि रीडिफाइनिंग रिलीजन इज वेरी मच पार्ट ऑफ मॉडर्निज़्म अभी इस्लाम में भी बहुत से ये चलिए हैं ट्रेंड्स कि इसको हमें भी रिफॉर्म करना चाहिए देखें यूरोप कहाँ पहुँच गया क्रिस्चानिटी को रिफ़ॉर्म किया तो वो फिर उसने तरक्की शुरू कर दी वगैरह सो रीडिफाइन रिलीजन बट डू नॉट डी रिफाइन इट हम समझे कि इस्लाम को बेशक आप दोबारा उस, उसका डेफिनेशन दोबारा करें लेकिन उसको आप उसकी जो रिफ़ाइनमेंट है उसका उसका अस असल जो जौहर है उसको गदला ना करें उसको सेंटर में रखते हुए फिर हालात के मुताबिक इसको दोबारा से समझने की कोशिश करें इन हालात के मुताबिक समझने की कोशिश करें लेकिन मज़हब को ना डिस्टॉर्ट करें मजहब की हकीकत असलियत प्योरिटी एसेंस उसको रखते हुए आप आपके जो हालात हैं इसके मुताबिक दोबारा उसको समझें फिर एक हदीस से शुरू करते हैं आई वो सेंट ओनली टू परफेक्ट अ नोबल द नोबल ट्रेज ऑफ़ कैरेक्टर अनकोट हदी से द एर ऑफ द फॉल्स सलाफी ये जो जहादी अपने आप को कहते हैं और दुनिया भी उन्हें इसी नाम से अब पहचान लगी है कि ये सलाफीज हैं इनका ये कहना है कि ये इनको सलाफी का मतलब ही नहीं पता है, ये तो बल्कि उसको रिजेक्ट कर चुके हैं असल सलाफी कौन थे जो फर्स्ट जेनरेशन थ्री जनरेशन जो हज़ूर के, के सहाबा और उनके बाद वाले जनरेशन थ्री जनरेशन तक को आम तौर पर सलाफी समझा जाता है तो ये थ्रू आउट दीज कॉमेंट्रीज़ वो ये बता रहे हैं कि ये जो अपने आप को सलाफी कहते हैं इनको स, सलाफी इथॉस और स्पिरिट का कुछ नहीं पता बल्कि उसके बरक्स ये काम कर रहे द एरर ऑफ द फॉल्स सलाफी लाइज इन हिज इन डिफरेंस टू द मैथडोलॉजीज ऑफ द क्लासिकल पीरियड एंड हिज फेलियर टू नोटिस दैट द सलाफ डिड नॉट हैव ए मेथड मनहाज ये आप देखें ना ये इनकी स, जो सारी की सारी एम्फोसिस होती है कि ये सही रास्ता है ये बाकी गलत है ये सही है ये सही है यही एक वाहिद सही रास्ता है वो कहते हैं जो सलाफ थे क्लासिकल टाइम में उनका तो कोई मेथड नहीं था बहुत से मेथड्स थे इंस्टेड दे फॉलोड ए वास्ट रेंज ऑफ मेथड्स, ऑफ विच द रीजनल स्कूल्स ऑफ इराक सीरिया एंड मदीना आर ओनली द बेस्ट नोन The age of the Salaf, Salaf, the age of the Salaf was an age of diversity. You see, what reality and in whose name this is being done, and they are reducing it down to the narrowest, which is the spirit of Baraks. Instead of rejecting the evolved tradition in favor of the dangerous illusion of a single Salafi manhaj, which all too often replicates modern writers' dogged unreason and dislike of mercy. The true scholars seek to remain faithful to the continuity of the Islamic story, whose deepest instinct is to keep the initiation, authorization, and Transmission. So, kaha is early Islam, classical Islam, kasara riwayat ki basis hai initiation, authorization, and transmission. The traditional chains do not only link us to the past, they bind our egos. Unbound.

किसकी किस रिवायत में आप ये किस किधर से आ रहे हैं क्या तो इंडिविजुअल्स हाँ वंस वी आर ऑथेंटिकेटेड बाय ए सनद वी मे जॉइन द स्कॉलर्स डिबेट ऑन रिन्यूअल दैट डिबेट अ लर्न प्रोमिसज ए पॉजिटिव फ्यूचर टू द उम्मा इंडिविजुअल्स Or movements which reject the Sanad and are rejected by it appear from time to time but are blown away by the same wind which they have unleashed. False Salaf, Salafi factions, neo Mu'tazalis, Islamic socialists, bogus Mahdists, and countless others who have chosen to unchain themselves. मार्च ऑन एंड ऑफ द स्टेज ऑफ हिस्ट्री बट द स्कॉलर्स ऑफ द फोर स्कूल रिमेन जो चार मजाहब उससे और ये सिलाफ़ीज इबन तहमिया वगैरह इनका जो झगड़ा ही वो कहते हैं जी हम किसी भी मज़हब को नहीं मानते mm -hmm. और ये बड़ी मॉडर्निस्ट अप्रोच है आ, इबन तहमिया कहाँ ट्वेल्थ सेंचुरी थर्टीन सेंचुरी मगर वहाँ से वो वो बात कर रहे हैं जो अब बहुत से मॉडर्निस्ट जो पोजीशन लेते हैं कि ये मौलवियों की बात नहीं जी खुद सोचो लिखा हुआ है किताबों में स्क्रिप्ट वो पुरानी बात हो गई थिंक फॉर योर सेल्फ ये बड़ी एक मॉडर्निस्ट अप्रोच है तो सीनियर मुज्तहिद्स इन द स्कूल्स नो हाउ पावरफुल आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इजतहाद देर मेथडोलॉजीज़ ऑथोराइज ये नहीं कि इजतहाद पर कोई मुनादगी हर मज़हब में चारों में ये उनके रिवायत में है लेकिन उसके कोई असूल कोई तरीक़ा होता है ईच स्कूल में मूव डिफरेंटली बट मूवमेंट इज़ द नेचर ऑफ द शरिया traditional islam is not the replication of the positions of the ancients it is to seek what they sought the unauthorized reformist whether working solo or in a group is disconnected from the courtesies which accompany the sanad adab pe bhi और ये एक रिवायत के अंदर रहना उसकी जो फ़जाइल हैं बरक़ात हैं वो आपको आदाब भी सिखाते हैं कि उस्ताद की शागिर्द का रिलेशनशिप और ऑल ऑफ़ दोज वो जो उस उस स्कूल से उस चैन का हिस्सा होगा वो उन आदाब का भी पाबंद होगा और वाकई अगर देखें तो ये जो हमारे फॉल्स सलाफीज़ हैं इनके कोई बेअदबी बदतमीज़ी एंड जो वो कह रहे हैं कि मर्सी का तो वो नज़दीक नहीं का वो डिनाई करते हैं यहाँ तक कि असल यानी कुरान के अंदर एक ज़माना था कि पाकिस्तान वायद ऐसा मुल्क होगा दुनिया में जहाँ पे कुरान शरीफ़ वज़ बैंड ज़ियालह के ज़माने में रेडियो पाकिस्तान टेलीविज़न इनको ये इंस्ट्रक्शनस थे कि वो आयात जिसमें अल्लाह तहम का जिक्र हो वो नहीं भूलना और ये बिलखसूस उस वक्त हो रहा था जब भुट्टो की हैंगिंग और केस चल रहा था कि वो कुरने टैक्स नाट अलाउड Hence, his typical abrasiveness, arrogance, or dislike of ordinary Muslims. Writers and intellectuals who are not at home with the masses are not in the valley of the scholars. The violence of the Qadhafists or Al Qaeda or other non factions indicates the triumph. Of the burning coal of anger in the hearts of such men and their entire disconnection from the tradition of Adab. Unschooled in Ihsan, they bring ugliness to the world. Look to the doctrine and transmission of the arrogant man. Ask for the names of the teachers of the man of humility and hospitality. For the mere mention of their names will bring a perfume to your gathering. Ijtihad is effort. And the most meaning effort in a scholar's life is his struggle against his self. He, against his self, his demons, his dunya. The outcome of a true juridical process is always an increase in blessing and beauty in the world. So yeah very clear Salafis <laughs> असनाद कोई अथोरजेशन कोई डिसप्लिन कोई आदाब कोई रिवायत किसी चीज़ को नहीं मानते तीसरा कंटेंशन क्योंकि आ, शेख मुराद का जाहिर है आज की दुनिया पे जो कमेंट्री कर रहा है यू हैव यू कैन नॉट डिनाई द रियलिटी ऑफ सच मूवमेंट्स लाइक वमेन्स लिब फेमिनिज्म तो उस पे भी उन्होंने काफ़ी लिखा है कमेंट्री की और समझाने की कोशिश की है कि इसकी क्या हकीकत है क्या हिस्ट्री है कहाँ से आ रहे हैं और इस्लाम की नज़र से इस औरत का का रुतबा और, और और क्या आ, हकीकत समझाने की कोशिश करते हैं तो ये एक आ, आ, जो है कॉमेंट्री इसका है मेडन्स choose him that uses his ears more than his eyes if he is even minimally smart he will know that what you say and how you say it reveals your worth more surely than your skin can if he is religious or otherwise decent, religious and decent he will also wish to avert his eyes. If the Kaaba is veiled and the consecrated host, then so too should be the theophany of woman. aur hadith quote hain when God hates a man, he removes modesty from his heart. Ibn Atha says, quote, the highest knowledge is awe and modesty. Once they go, everything goes. Unquote the guiltless gazer is either weak in faith or he is married to you already. <laughs> <laughs> the thoughtless believe that we can worship together. john bechman, ye angrezik poet, guzray, john Betchman used to worship at the grosvenor chapel sitting where he could see Joan Prince a beauty the beauty editor at Harper's Bazaar who was married to a chapel sidesman surveying her as she bent over to receive the sacrament he wrote how elegantly she swings along in the vapory incense veil the angel choir must pause in song when she kneels at the altar rail. Voyeurism. Voyeurism in church was very bitumenesque. Listening to women was not. There are peeping toms, but there are no eavesdropping toms. He knows the treason of the eyes, Allah He with a capital H, knows the treason of the eyes, says the Quran, and what the heart's conceal. So Betjeman died with his mistress, not his wife, untidy to the end, betrayed by his own roving eye a woman or is hadith quote hadith. a woman is married for four things her wealth her family her beauty and her religion choose the woman of religion and joyful shall be your dusty hand unquote this is the hadith of women. The magazines invite her to the excruciating task of improving her outward appearance. Religion invites her to the far easier task of improving her inward. Again a, a quote from the Quran, God wants ease for you, not hardship. A society in which earning power and the battle against aging top the suitor's checklist imposes competition for what is finite and fragile. It is a subtle oppressor. But she who seeks him for whom the passion of her Quranic recital is the surest sign. एन्जॉयज़ द ग्रेट फ्रीडम ये तीन हैं कामेंट्रीज uh, मैं एक चौथी uh, आपके सामने ज़रूर पढ़ना चाहूँगा ये सबसे लंबी है नंबर फिफ्टीन इसका है टाइटल बल्कि टेक्स्ट भी यही है The road to God is paved with laughter at the self. The road to hell is paved with laughter at others. So, ab koi commentary pe commentary agar ab baat samaal koi zada to mene.